घड़ी ऐसा चीज है जो हर घर में रहता है। वो घड़ी का स्टोरी, घड़ी की दिशा कोई लगाना चाहिए, कोई जगह डायरेक्शन निर्धारित है, ऐसा कुछ रखना है जिससे आप बहुत मतलब पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऐसा कुछ है। और देखिए घड़ी अपना वास्तु में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। घड़ी को घर के मतलब जिस रूम में लगाना है उसके उत्तर वाले दीवार पे और पूर्व वाले दीवार पे आप लगा सकते हैं। उत्तर और पूर्व वाले दीवार पे लगाना है उसका सकारात्मक लाभ मिलेगा। और घर के जिस जोन में लगा रहे हैं, मतलब अगर नॉर्थ साइड लगा रहे हैं आप उसको ब्लू रंग का लीजिए, ठीक है। अगर आप पूर्व दिशा में लगा रहे हैं वो आप ग्रीन कलर का ले लीजिए, वो आपको काफी सकारात्मक लाभ। उत्तर में देंगे तो ब्लू करेंगे, हाँ, और पूर्व में करेंगे तो ग्रीन करेंगे, ऐसा क्यों? एलिमेंट होता है उसका जो होता है ना, जल तत्व और वायु तत्व। तो उत्तर दिशा जो होता है जल तत्व का, उस दिशा में अगर ब्लू रंग करिएगा तो उस घड़ी के कलर का भी लाभ मिलेगा, वो चीजें स्थापित हो जाती है। उस रंग का स्थापना होने से उस दिशा का जो फल है, उत्तर दिशा जैसे फाइनेंस का है, अपॉर्चुनिटी का है, हेल्थ का है, उनके गुणों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा, धन धान्य की वृद्धि होना चालू हो जाएगी। तो जो कलर हम लगाते हैं वो चीज वहाँ पे स्थापित होती है, उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। और घड़ी भी उत्तर और पूर्व दिशा में लगाने पे घर की सकारात्मक ऊर्जा को, ठीक है, घर को एक्टिवेट करता है, सकारात्मक ऊर्जा। किस दिशा में भूल कर भी डर लगा है? देखिए किसी भी रूम में जो है दक्षिण और पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए किसी भी रूम में, क्योंकि घर के हिसाब से तो एक ही एंगल में नहीं लगा सकते ना, अलग अलग कमरे हैं। तो जिस कमरे में लगाना है उसके उत्तर या पूर्व की दीवार पर लगाइए आप।